2 अक्टूबर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मांस मछली मुर्गे की बिक्री पर बापू की याद में पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन जहानाबाद शहर में 2 अक्टूबर के दिन मांस और मुर्गे की बिक्री के दुकान खुले रहे और वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। गली मोहल्ले की बात अगर छोड़ भी दे तो जहानाबाद शहर के अरवल मोड़ और स्टेशन के पास NH 83 पर खुलेआम 2 अक्टूबर को मांस और मछली की दुकानें खुली नजर आई। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद प्रशासन की नज़र इस पर नहीं गई, ना पहले से प्रशासन ने ऐसे बिक्री वाले जगहों पर सूचित किया था ताकि 2 अक्टूबर को मांस की दुकानें बंद रहे। हैरानी की बात तो यह है कि इसी रास्ते से जिले के तमाम अधिकारियों का आना जाना भी होता है, बावजूद इसके सड़क किनारे खुलेआम मुर्गे की दुकानें खुली नजर आई, सड़क किनारे मछली की बिक्री होती दिखी और लोग खरीदारी में मशगूल भी दिखे, और ये आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी सकते हैं। अगर मान लें कि प्रशासन ने पहले से इसको लेकर ध्यान नहीं दिया तो लोगों ने भी बापू को और उनके अहिंसा के पाठ को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। लोगों की भी ये लापरवाही कही जाएगी कि वो खुद से जागरूकता प्रदर्शित करते हुए मांस और मछली बिक्री केंद्रों पर उन्हें बंद करने का आग्रह करने के बजाय खरीदारी करने में मशगूल नजर आए। इन दुकानों पर मांस मछली को बिना ढके खुलेआम बेचा जाता है, जो और भी खाद्य के नियमों के तहत उल्लंघन के श्रेणी में आता है। इन पर मक्खियां भिनभिनाती रहती है, संक्रमण का खतरा बना रहता है और ये बीमारियों का घर नजर आते हैं। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अगर वो इन दुकानों को देखते तो उससे ज़्यादा दुख इन दुकानों पर खरीदारी के लिए पहुँचे लोगों को देखकर उन्हें होता। लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए और प्रशासन भी इन मामलों को लेकर सतर्क रहे। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। देश दुनिया में शांति का संदेश देने वाले बापू महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। आज अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे, देश दुनिया ने उनको बापू का नाम दिया है और उनके जन्म तिथि पर अगर इस तरह की घटना जिले में है तो यह पूर्णतः प्रशासनिक विफलता है। और शांति के संदेश के दिन इस तरह के खुलेआम रोड पे अगर मीट मुर्गा मछली बेचा जा रहा है तो गलत है और प्रशासन इसमें पूर्णतः विफल है। इसमें जिला प्रशासन को चाहिए को इसको बंद रखवाना, और अगर NH 83 पर ही खुलेआम बिक रहा है तो लापरवाही जिला प्रशासन का है। और मैं चाहूँगा कि इसको विलम्ब जो है बंद कराया जाए, ताकि अभी स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, साथ साथ नवरात्रा भी है और आज 2 अक्टूबर भी है, इसलिए इसको तो बंद रहना अनिवार्य रूप से है। लेकिन जिला प्रशासन इस पर नज़रअंदाज किए हुए हैं तो बहुत दुख की बात है। हमारा जहानाबाद जिला जो है इस तरह से लापरवाह है, लापरवाही का द्योतक है। इससे प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन में लापरवाही बरत रहे हैं। इनको चाहिए कि अविलंब इस पर जो है कार्रवाई करते हुए इसको बंद कराया जाए। मैं यही मांग करता हूं जिला प्रशासन से कि आज 2 अक्टूबर है, इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उन्हीं प्रसाद निरालापुर जिला परिषद घोसी।